नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 10 सालों में पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज की समस्या बढ़ती जा रही है। ये समस्या आज 14 साल की छोटी बच्चियों से लेकर 40 साल तक की फीमेल्स में देखने को मिलती है। ये समस्या इसलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि हम इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जब हमें अपनी बॉडी में दिखे। विशेष रूप से सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें पीसीओडी की समस्या हो रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जब हमारी बॉडी में पीसीओडी की समस्या हो रही होती है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या हो रही होती है, तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है। अत्यधिक तनाव की वजह से, शराब या सिगरेट का सेवन करने की वजह से, खराब खान पान की वजह से, या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से, देर से सोने की वजह से, सुबह देर से उठने की वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। इन सब कारणों से हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। विशेष रूप से जो मेल हार्मोन हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में रहता है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या आती है मासिक धर्म से जुड़ी समस्या यानी पीरियड से रिलेटेड समस्या। इसमें हमें पीरियड्स लेट आते हैं, अनियमित हो जाते हैं या बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि पीसीओडी में जो हमारी ओवरीज है वो इमेच्योर एग्स को रिलीज़ करती है। उसके बाद ये एग्स सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स में अनियमितता हो जाती है, पीरियड्स देरी से आते हैं, कम हो जाते हैं। ये सिस्ट होने की वजह से हमारा जो लोअर एब्डोमेन एरिया है उसमें हमेशा पेन रहता है, उसमें आपको हमेशा हैवीनेस, भारीपन महसूस होता है। तो आपको कहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है सतर्क होने की जब आपके पीरियड्स लेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या देरी से आ रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स 21 दिन से पहले और 35 दिन के बाद आ रहे हैं तो आपको विशेष रूप से जागरूक होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो रही हो। तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिल्कुल भी देरी ना करें अगर आपको पीरियड्स डिले हो रहे हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ रहा है तो हमारे शरीर में अनचाहे बाल आने लगते हैं, क्योंकि फीमेल्स में हेयर्स इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, जैसे कि उनके चेहरे पर उनके बाल नहीं आते, उनकी पीठ पे बाल नहीं आते हैं, सीने पे बाल नहीं आते हैं, थाइस में बाल नहीं होते हैं। और अगर इस जगह पर बाल आने लगें तो आपको विशेष रूप से सतर्क होने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट समस्या तो देखने को मिलती है, क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको गंजेपन की प्रॉब्लम हो, बाल पतले होकर झड़ने लगे, मेल पैटर्न में आपके हेयर लॉस हो रहे हों, जैसे कि किसी एक जगह पर आपके बाल बिल्कुल ही गायब हो जाएं, तो आपको विशेष रूप से सतर्क होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट समस्या आती है आपको बेबी कंसीविंग में, क्योंकि आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे, ओवल्यूशन सही नहीं हो रहा है, ओवरी में सिस्ट हो गए हैं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है आपको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी। और जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी किसी पेशेंट्स में, फीमेल्स में ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें बांझपन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको प्रॉब्लम को यहाँ तक नहीं बढ़ाना है, आपको डॉक्टर से पहले ही संपर्क कर लेना है अगर आपको बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही है या आप बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट समस्या जो देखने में मिलती है वो होती है स्किन डिस्कलरेशन, यानी कि आपको स्किन कहीं पर ज़्यादा डार्क दिखेगी, काली दिखेगी। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ता है, स्किन में ऑक्सीजन और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता और स्किन आपको कहीं कहीं पर काली दिखने लगती है। अगर आपको अचानक से आपकी स्किन काली दिख रही है तो आप विशेष रूप से सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट हमें जो समस्या देखने को मिलती है वो है स्किन का ऑयली हो जाना, एक्ने आ जाना। बहुत सारे आपको एक्ने आपको आपके फेस पे मिलेंगे, विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो आपका चिन एरिया है वहाँ पे आपको एक्ने महसूस होंगे, बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो समस्या देखने को मिलती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम। इसमें हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, इंसुलिन का सिक्रीशन और ज़्यादा करता है, जिससे कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। विशेष रूप से आप देखेंगे जो आपका एब्डोमेन एरिया है वहाँ पर मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर के निचले हिस्सों में आपको मोटापा ज़्यादा लगेगा और आप कोशिश भी करेंगे तो वो मोटापा जा नहीं रहा होता है, कम नहीं हो रहा होता है। तो आपको विशेष रूप से सावधान होने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपका बैली फैट अचानक से बढ़ गया है, मोटापा अचानक से आपके शरीर में आ गया है। तो नेक्स्ट जो समस्या देखने को मिलती है वो है स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम।
क्योंकि मोटापा बढ़ गया है, तो अब आपको जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आपको अचानक से रात में सोते हुए सांस लेने में समस्या होती है, जिसकी वजह से आप आपकी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप सुबह तनाव में उठते हैं, थकान में उठते हैं, तो आपको एक सिम्टम ये भी दिखेगा कि आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एनर्जी बिल्कुल भी आप फील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको उल्टी का मन हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं रह रहा है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट समस्या आती है मूड स्विंग की। मूड स्विंग की समस्या भी पीसीओडी में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा आपका मन कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर आपको ये सारी समस्याएं, ये सारे लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इनके सिम्टम्स का इलाज करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें जो इसका रूट कॉज है, यानी जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, आप उस पर फोकस करें, उसका इलाज करने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।